भाई लोग एंड मेरे प्यारे जितने भी लोग मुझे देखते हैं, एक चीज़ आप लोग प्लीज़ ये बताइए कि काम में कैसे दिला सकता हूँ। मैं रास्ते बताता हूँ एंड मैं हमेशा की तरह रास्ते बताते रहूँगा, बट काम आपको वही दिलाएगा जो आपका टैलेंट है। अपने टैलेंट पे भरोसा रखें, अपने टैलेंट को निखारे एंड जितना टाइम हो सके उतना क्राफ्ट पे काम करें, एक्टिंग को निखारे एंड यही सब कुछ होता है यार। हाँ, बाकी मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा। जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, जो नहीं भी करते, उन सबको सबसे पहले बहुत बहुत प्यार देना चाहता हूँ एंड एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो लोग मुंबई आके अपने आप को एज एन एक्टर देखते हैं और एक्टर बनने आते हैं, उनकी कोशिशों को सलाम एंड मेहनत करें, लगे रहिए, श्योर आपको काम मिलेगा। बाकी एक चीज़ मैं एक और एक ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुंबई आना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक छोटा सा एडवाइस ये है कि भाई तैयारी के साथ आओ। मुंबई आने के बाद यहाँ पे बहुत ही फास्ट काम होता है, आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। अगर आपने एक्टिंग सीखा नहीं है, समझा नहीं है, तो यहीं पे आके जो है फंबल करोगे, डायलॉग्स नहीं बोल पाओगे, है ना। तो उतनी प्रैक्टिस करो कि बेसिक कम से कम आप समझ सकें एंड ऑडिशन दे सकें। उसके बाद आपका मेहनत, आपका काम, जो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि मेहनत करें, अपने क्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। और इतना पैसे लेके आए मुंबई कि आप सर्वाइवल कर सको, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे ही उठ के आ जाते हैं और घर वाले को बताते नहीं हैं, घर वाले लोग को परेशानी करते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना करें। कुछ पैसे लेके आए ताकि आप यहाँ पर सर्वाइवल कर सकें।